टू माई एजुकेशनल चैनल पंकज साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, फ्रॉम टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो आज हमें ये नया चैप्टर शुरू करना है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो पहले हमें पढ़ना है एरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के लिए एरेनियस थ्योरी क्या काम करती है, इसका क्या यूज होता है। देन सेकंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड और अ बेस। एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैसे निकालना है, किस पदार्थ में एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, बेसिस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रांग होता है, कौन सा बेस वीक होता है, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देन pH ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की pH कैसे निकालते हैं। फ्रॉम द pH यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो pH से हमें, pH वैल्यू से भी हम पता कर सकते हैं कि पदार्थ एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो इसके बारे में हमें pH ऑफ सॉल्यूशन इस पार्ट में हम पढ़ेंगे। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द pH ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड की pH कितनी होती है, बेस की pH कितनी होती है, न्यूट्रल सब्सटेंस की pH कितनी होती है, और इस pH का इफेक्ट क्या क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और सॉल्ट, इसके बारे में भी हमने पढ़ना है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक टॉपिक है आपके नीट एग्जाम के लिए। तो इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है बच्चों। तो आज जो है हम एसिड बेस का इंट्रोडक्शन लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम कौन सा पदार्थ एसिडिक है कि बेसिक है ये पहचान सकते हैं। तो इसके बारे में इस वीडियो में हमें पढ़ना है। तो हमें पता है एसिड और बेस कैसे होते हैं। दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, दे आर एसिडिक इन नेचर। द सब्सटेंसेस विच आर बेसिक इन बेसिक, दे आर ब्रिटल इन टेस्ट एंड दे आर स्लिपरी टू टच। कोई पदार्थ जो है वो बिटर होता है, जिनकी जो टेस्ट है बिटर होती है, कड़वी होती है, थोड़ी सी कड़वी होती है, और वो सब्सटेंस स्लिपरी टू टच। स्लिपरी टू टच इसका अर्थ क्या है, हमारा साबुन जैसे हम हाथ को लगाने के बाद स्लिपरी हो जाता है, उस तरह से वो पदार्थ स्लिपरी होते हैं। तो उस पदार्थ को हम बेसिक सब्सटेंसेस कहते हैं, यानी कि टेस्ट से हम पदार्थ को पहचान सकते हैं एसिडिक है कि बेसिक है। लेकिन इट इज नॉट सेफ टू टेस्ट द सब्सटेंस टू फाइंड आउट वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। कोई भी पदार्थ जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है, वो उसकी टेस्ट से हर समय हम उसकी टेस्ट नहीं ले सकते, वो जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ एसिड जो है उसके हार्मफुल इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर हो सकते हैं। तो कि कोई भी पदार्थ जो है उसको टेस्ट करके एसिड और बेस इसमें हमें कैटेगराइज नहीं करना है। तो इसके लिए हम एक टेस्ट जो है इसको प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, जिसे कहते हैं लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट आपने पढ़ा होगा। तो लिटमस दो प्रकार के होते हैं, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। ब्लू एंड रेड लिटमस, ये आपको पता भी होगा लेकिन रिकॉल के लिए आपको मैं बताता हूं। द ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड इन एसिडिक सब्सटेंसेस एंड रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू इन बेसिक सब्सटेंसेस। आ गया समझ में? अगर किसी पदार्थ की हमें टेस्ट करना है, अगर उसके अंदर हमने ब्लू लिटमस की टेस्ट कर ली और ब्लू लिटमस का कलर अगर रेड हो जाता है तो वो पदार्थ क्या है, एसिडिक है। तो एसिड के अंदर ब्लू लिटमस रेड होता है, और जिस पदार्थ के अंदर रेड लिटमस का कलर ब्लू हो जाएगा वो पदार्थ है बेसिक, तो वो बेस है। आगे समझ में? तो ये हो गई रेड और ब्लू लिटमस टेस्ट। अगर ब्लू और रेड दोनों लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो रेड रिमेंस रेड, ब्लू रिमेंस ब्लू इन द सब्सटेंस, देन दैट सब्सटेंस इज न्यूट्रल। न्यूट्रल पदार्थ के अंदर अगर हम लिटमस की टेस्ट लेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा, रेड लिटमस पेपर रेड रहेगा। इसका अर्थ क्या है, बोथ द लिटमस पेपर रिमेंस अनअफेक्टेड इन न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर से पदार्थ जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है ये पहचान सकते हैं। अब दूसरी टेस्ट है, तो
कुछ पदार्थ जो है हमें पता है, उनकी टेस्ट पता है, उससे हम एसिड बेसिस जो है वो फाइनलाइज करते, कुछ पदार्थ जो इसकी लिटमस टेस्ट करके हमें एसिड है कि बेस है ये टेस्ट कर सकते, लेकिन हर बार तो हम लिटमस पेपर लेके नहीं जा सकते कोई पदार्थ को टेस्ट करने के लिए, हर बार हम लेबोरेटरी में नहीं रहेंगे या हर पदार्थ की हम टेस्ट भी नहीं ले सकते। तो हर एक पदार्थ का मॉलिकुलर फार्मूला हमें पता होता है, केमिकल सब्सटेंस जो है, आयनिक कंपाउंड जो है, इसका मॉलिकुलर फार्मूला हमें पता होता है। तो मॉलिकुलर फार्मूला से क्या हम पदार्थ का एसिडिक और बेसिक नेचर पहचान सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर है यस, वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलो अभी हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से पदार्थ एसिडिक है बेसिक है। तो इस चार्ट के अंदर क्या क्या है, अभी हमें क्या पढ़ना है, टू फाइंड आउट द एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूले। आगे समझ में, नेम ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूले मैंने लिखे हैं, तो इससे हमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का नाम लिखना है जो हमने रेडिकल्स ये चैप्टर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। देन बेसिक रेडिकल कौन से, इसमें एसिडिक रेडिकल कौन से और टाइप ऑफ कंपाउंड। आगे समझ में, तो हम नाम कैसे लिखेंगे, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स के नाम से हम यहाँ पे मॉलिक्यूल के कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हैं, और बेसिक और एसिडिक रेडिकल को कैसे पहचान जानेंगे इससे भी हमने पढ़ा है। द मेटल फॉर्म्स द बेसिक रेडिकल्स एंड नॉन मेटल फॉर्म द एसिडिक रेडिकल्स। आगे समझ में, और कोई भी कंपाउंड्स में पहला रेडिकल जो होता है वो बेसिक होता है और दूसरा जो होता है एलिमेंट वो होता है एसिडिक। आगे समझ में, तो अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते, तो मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यूजुअली हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये नाम यूज़ करते, हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नाम हम यूज़ नहीं करते, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें देखिए बेसिक रेडिकल क्या है, H पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो बेसिक रेडिकल होते हैं और निगेटिवली चार्ज आयन एसिडिक रेडिकल, Cl निगेटिव। आगे समझ में, देन दूसरा है HBr, दैट इज ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक, तो ये हो क्या होगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तो इसमें भी H पॉजिटिव बेसिक रेडिकल, बी आर निगेटिव एसिडिक रेडिकल, एसिड बेस के बारे में हमने पढ़ा था। देन HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, या इसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड, तो इसमें H पॉजिटिव एसिड बेसिक रेडिकल एंड NO3 निगेटिव बेसिक एसिडिक रेडिकल। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, और इसे कहते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें एच पॉजिटिव बेसिक रेडिकल एंड SO4 डाइनिगेटिव एसिडिक रेडिकल। देन H3BO3 इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमेट, तो एच पॉजिटिव बेसिक रेडिकल एंड BO3 निगेटिव एसिडिक रेडिकल। अब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें Na पॉजिटिव आयन बेसिक एंड OH निगेटिव एसिडिक। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K पॉजिटिव OH निगेटिव। देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca पॉजिटिव OH निगेटिव। देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देन NH4 पॉजिटिव OH निगेटिव। देन सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम Cl क्लोरीन, देयरफॉर सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। देन कैल्शियम नाइट्रेट, Ca डाई पॉजिटिव एंड NO3 निगेटिव।
देन पोटेशियम सल्फेट, के पॉजिटिव एंड SO4 डाई निगेटिव, देन अमोनियम सल्फेट, NH4 पॉजिटिव एंड SO4 डाई निगेटिव। अब इसमें हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या कर दे, बेसिक और एसिडिक रेडिकल को सेपरेट किया, तो इसमें हमें पता चलता है देयर आर सम कंपाउंड्स विच कंटेन्स H पॉजिटिव एज अ बेसिक रेडिकल इन इट। ये पहले के चार कंपाउंड जो है इसमें H पॉजिटिव ये बेसिक रेडिकल है, एंड दोज कंपाउंड विच आर हैविंग बेसिक रेडिकल्स इन देयर मॉलिक्यूल्स दे आर एसिड। देन वी हैव सी देयर आर सम कंपाउंड्स हैविंग OH निगेटिव, दैट इज हाइड्रोक्साइड रेडिकल इन देयर मॉलिक्यूल, एंड द कंपाउंड्स विच कंटेन्स OH निगेटिव एज अ एसिडिक रेडिकल इन देयर कंपाउंड दे आर बेसिस। बट देयर आर सम कंपाउंड्स दे डू नॉट हैव एच पॉजिटिव एज अ बेसिक रेडिकल और OH निगेटिव एज एसिडिक रेडिकल, दे आर कॉल्ड एज सॉल्ट। आ गया समझ में? तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, अगर किसी कंपाउंड के अंदर H पॉजिटिव रेडिकल है तो वो एसिड है, अगर OH निगेटिव इसके अंदर रेडिकल है तो वो बेस है, और जिसके अंदर हाइड्रोजन रेडिकल भी नहीं है या हाइड्रोक्साइड रेडिकल भी नहीं है उसे हम सॉल्ट कहते। तो देयर फोर दिस फोर कंपाउंड्स आर द एसिड्स, देन दिस फोर कंपाउंड्स आर बेस, और ये नीचे के जो चार कंपाउंड्स है जिसमें सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट, दे डू नॉट हैव एच पॉजिटिव एंड OH निगेटिव आयन, एंस दे आर द सॉल्ट। आगे समझ में? तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से आयनिक कंपाउंड्स में एसिड, बेस और सॉल्ट जो है वो पहचान सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, वी वेर स्टडिंग अबाउट द मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर इन अपकमिंग टेक्स्ट। थैंक यू।